झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव प्रचार करेंगे। ये बातें बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी कार्यालय में लोजपा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। इससे पहले संयुक्त प्रेस वार्ता को लोजपा के प्रदेश प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया और कहा कि एनडीए झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेगी और चतरा सीट पर लोजपा का उम्मीदवार लड़ेगा। इनकमिंग सलाह रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लड़ाया जाएगा। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है। अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा। और 2000 कितना का चुनाव रहेगा, 29 में लड़ाएगा। अरे आपको इसका रहा है भैया, नहीं तो ऐसा है अगर आपको मेरा परीक्षा लेना है तो हम लोग अलग से बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं परीक्षा देने के लिए नहीं वक्तव्य देने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, नहीं सुनिए सुनिए, ऐसा है आप मुझे परीक्षा ले रहे हैं, वक्तव्य देने के लिए बैठे हैं, परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको जमुई से आप सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रसार प्रभारी असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता जी, प्रदीप जी और तमाम लोजपा के नेतागण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजग गठबंधन है जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों से शहरी के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसो के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं।